बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस वालों गठित स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सरगर्म होने के नाल ही मामले में नवा मोड़ आ गया। हुण सीबीआई भी इसे तरह मामले में उतर आई है। सीबीआई ने पंजाब पुलिस की जांच को कानून की उलंघना दसते हुए मोहाली स्थित सीबीआई की अदालत में चुनौती दी है। नाल ही मांग की है कि एसआईटी हैड ने नोटिस जारी करके असल रिपोर्ट से जांच नाल संबंधित सारे दस्तावेज मंगवाए जाण। नाल ही एसआईटी नूं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वालों दायर पटीशन का फैसला होने तक जांच नूं रोकिया जाए। उते ही अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई में तय की है और सारिया धिरों को तलब किया। सीबीआई ने अदालत को दसिया कि बेअदबी नाल जुड़े तिना मामलों की जांच 2015 में पंजाब सरकार वालों उन्होंने दिती गई थी। केंद्र सरकार की मंजूरी तो बाद सीबीआई ने पूरी प्रक्रिया अपना के नवे सिरे तो केस दर्ज करके जांच शुरू की, पर 2018 में पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन के तहत दिती गई सहमति वापस ले ली थी। इस तो बाद इस संबंधी मामला हाईकोर्ट में पहुँच गया। अदालत ने 25 जुलाई 2019 पटीशन रद्द कर दिती सी, पर केंद्र सरकार ने इन्हां तिना केसां की जांच की जिड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दिती गई थी। उस संबंध में जारी की गई नोटिफिकेशन भी रद्द नहीं की गई है। उते ही 4 जुलाई 2019 जो सीबीआई ने केस बंद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की सी, उस समय पंजाब पुलिस की जांच ब्यूरो के विशेष डीजीपी ने कुछ समय नवे तत्थ भेज के जांच को जारी रखने की ताकीद की। दूजे पासे इसे पत्र के आधार पर असी अगली जांच के पूरी होने तक केस बंद करने वाली पटीशन टालन की बेनती की। सीबीआई ने लिखा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ साड़ी पटीशन सुप्रीम कोर्ट वालों देरी के फाइल करने के चलते रद्द कर दी सी, जबकि कानूनी पक्ष के नाल सीबीआई वालों सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पटीशन सुनवाई 5 मार्च 2020 दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाजी कम टीवी। बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस वालों गठित स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सरगर्म होने के नाल ही मामले में नवा मोड़ आ गया। हुण सीबीआई भी इसे तरह मामले में उतर आई है। सीबीआई ने पंजाब पुलिस की जांच को कानून की उलंघना दसते हुए मोहाली स्थित सीबीआई की अदालत में चुनौती दी है। नाल ही मांग की है कि एसआईटी हैड ने नोटिस जारी करके असल रिपोर्ट से जांच नाल संबंधित सारे दस्तावेज मंगवाए जाण। नाल ही एसआईटी नूं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई वालों दायर पटीशन का फैसला होने तक जांच को रोकया जाए। उते ही अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई में तय की है और सारिया धिरों को तलब किया। सीबीआई ने अदालत को दसिया कि बेअदबी नाल जुड़े तिना मामलों की जांच 2015 में पंजाब सरकार वालों उन्होंने दिती गई थी। केंद्र सरकार की मंजूरी तो बाद सीबीआई ने पूरी प्रक्रिया को अपना के नवे सिरे तो केस दर्ज करके जांच शुरू की, पर 2018 में पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन के तहत दिती गई सहमति वापस ले ली थी। इस तो बाद इस संबंधी मामला हाईकोर्ट में पहुँच गया। अदालत ने 25 जुलाई 2019 पटीशन रद्द कर दिती सी, पर केंद्र सरकार ने इन तिना केसों की जांच की जिड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दिती गई थी। उस संबंध में जारी की गई नोटिफिकेशन भी रद्द नहीं की गई है। उते ही 4 जुलाई 2019 जो सीबीआई ने केस बंद करने की रिपोर्ट अदालत में पेश की सी, उस समय पंजाब पुलिस की जांच ब्यूरो के विशेष डीजीपी ने कुछ समय नवे तत्थ भेज के जांच को जारी रखने की ताकीद की। दूजे पासे इसे पत्र के आधार पर असी अगली जांच के पूरी होने तक केस बंद करने वाली पटीशन टालन की बेनती की। सीबीआई ने लिखा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ साड़ी पटीशन सुप्रीम कोर्ट वालों देरी के फाइल करने के चलते रद्द कर दी थी, जबकि कानूनी पक्ष के नाल सीबीआई वालों सुप्रीम कोर्ट में दायर रिव्यू पटीशन सुनवाई 5 मार्च 2020 दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाजी कम टीवी।